हाय आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुशियां बटोर रहे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अपनी सोल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप टोटली बैलेंस्ड है, इसी एफर्मेशन के साथ हम लोग आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे आपके पर्सन कल रात में किस एनर्जी में थे, क्या सोच रहे थे वो कल रात को आपके बारे में, आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में क्या चाहते हैं वो, ये सब कुछ हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे आपके बारे में सोच भी रहे थे कि नहीं, ये भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो पॉजिटिव रहिए, रीडिंग इंटरेस्टिंग होने वाली है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको एक गाइडेंस की तरह ही लीजिए। इसके बेसिस पे मेजर कोई डिसीजन मत लीजिए। कोई भी अगर आपके लाइफ में कुछ मेजर डिसीजन लेना हो, देन मैं सजेस्ट करूँगी आप अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए। किसी भी टैरो रीडर से जिसको आप पसंद करते हैं उनकी मदद आप ले सकते हैं एंड पर्सनल रीडिंग के बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़िए उस गाइडेंस के साथ। जनरल रीडिंग है ना, तो यहाँ पे बहुतों की एनर्जी पीक होती है, तो सिर्फ आपकी एनर्जी ही इस रीडिंग में है ऐसा सोचिएगा नहीं। हो सकता है आपसे 100% रेजोनेट करे, हो सकता है आपके एनर्जी का कुछ पोर्शन ही रेजोनेट करे इस रीडिंग से। तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है उस टाइम की एनर्जी आपकी पिक कर रही होगी ये रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, खुद को थोड़ा सा काम कर लीजिए और अपने पर्सन को भी याद कर लीजिए। वॉय रंग शक्ति दरकार। हम लोग देखेंगे कल रात को वो किस एनर्जी में थे, क्या चाह रहे थे वो, ये सब कुछ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की कुछ मैसेजेस, ठीक है, हिडन मैसेजेस जो आपके लिए होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी, क्या सोच रहे थे वो आपके बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे। मैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी पिक कर सकूँ, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए किस एनर्जी में थे वो कल रात को, क्या सोच रहे थे वो इस रिलेशन को लेकर के, प्लीज़ डिवाइन। अनफोल्ड नहीं हुआ है इसलिए मैं इस कार्ड को नहीं ले रही हूँ। डिवाइन गाइड कीजिए। क्या चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स की इस रिलेशन को लेकर के, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मुझे एक एक कार्ड चाहिए। थ्री मोर शफल्स। फर्स्ट कार्ड टेन ऑफ सोर्ड्स, सेकेंड कार्ड टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ही इज नॉट इन गुड कंडीशन, एक्चुअली वो बहुत ज्यादा दिमाग चला रहे थे, हो सकता है इनको हेडेक भी हुआ हो। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, जजमेंट, डेविल। आज मैं ज्यादा कार्ड्स पिक कर रही हूं, मुझे इनकी एनर्जी डिटेल्स में चाहिए इसलिए। एम्प्रेस, थ्री ऑफ वांड्स, मैजिशियन, टावर, एज ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ, सॉरी एम्परर, एम्प्रेस एंड एम्परर। आप लोगों में से बहुत कोई, हो सकता है स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, हो सकता है आप लोग डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन है,
ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे यहाँ पे बहुतों का दिख रहा है, और या हाई लोग हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को ट्रिगर करना, इन आउट सिचुएशन ऐसा आप दोनों में लगा रहता है। आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों को बंधे हुए हैं। अगर ऐसा आपको फील होता है, यहाँ पे जो आया भी है एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स, यहाँ पे जो रीडिंग आई है ना, यहाँ पे मुझे बहुतों का दिख रहा है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ठीक है, आप लोगों में एक ऐसा सिचुएशन होता होगा जब साथ रहते हैं तो बहुत ज़्यादा लड़ाई, ठीक है, दो चार दिन बहुत प्यार, फिर उसके बाद इतनी लड़ाई, फिर आप दोनों ही चाहते हैं मूव ऑन करना, एंड देन फिर से कुछ ना कुछ ऐसा होता है आपकी लाइफ में, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं और फिर से एक हो जाते हैं, फिर से सेम चीज़ रिपीट होती है। तो इस साइकिल को तोड़ने की भी ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपके पर्सन आपको घोस्ट करते हैं, आपको अचानक से छोड़ कर चले जाते हैं, इन आउट सिचुएशन कोल्ड बिहेवियर देते हैं, तो क्यों प्रेजेंट रहते हैं आप हमेशा उनके लिए? ज़रूरी नहीं है हमेशा आप उनके लिए प्रेजेंट रहें, है ना। हमेशा अगर वो चले जाते हैं और उनके आने पे ही आप उनको, मतलब होता है ना जो माला वाला डाल करके स्वागत करना, कि नहीं, बट चीज़ों को समझिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, उनको जब नीड हो रही है तभी आपके पास आ रहे हैं और आप इस चीज़ को बढ़ावा भी दे रहे हैं। इतनी क्रेविंग है क्या इस पर्सन के लिए कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दाव पे लगा रहे हैं? सोच के देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में जो मुझे दिखाई दे रहा है, एरिस बहुत स्ट्रांग है एंड यहाँ पे एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन एंड फायर साइन, चारों के चारों साइन मौजूद हैं। 12 की 12 राशियाँ यहाँ पे इस रीडिंग में मौजूद हैं। मुझे यहाँ पर एयर साइन की एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है एंड एरीज भी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या था आपके पर्सन की थॉट्स कल रात को। वो क्या सोच रहे थे रात में कि टोटली लॉस्ट। ठीक है, एक लाइन में अगर मैं बोलूँ टोटली लॉस्ट, उनकी लाइफ में कोई एम नहीं है, उनकी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं है, ऐसा उनको फील हो रहा था। और हर तरफ से उनको एक बिट्रेयल मिल रही है। हाँ, तो क्या हो रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कोई नहीं है। हो सकता है अपनों से बहुत ज़्यादा धक्का मिला है, जिनके बारे में सोच करके वो आपसे दूर गए थे उनसे बहुत ज़्यादा धक्का मिल रहा है। उस सिचुएशन में उनसे हो सकता है वो लोग भी किसी ना किसी स्वार्थ की वजह से इनसे जुड़े हुए हैं, और उनको ऐसा लग रहा था कि उनके लाइफ में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो उनका साथ दे रहे हैं। उनको ऐसा भी लग रहा था कि ही और शी इज़ टोटली अलोन इस दुनिया में, उनका अपना कोई भी नहीं है। किसी दो सिचुएशन में मुझे जगल करते हुए दिख रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पे स्ट्रांगली प्रेजेंट मुझे दिखाई दे रहा है। दो सिचुएशन में अभी भी जगल करते हुए कि आपकी तरफ आए, कि जहाँ पर है वहाँ रहे, क्या सही रहेगा, क्या उनके लिए ठीक रहेगा। देखिए, ये पर्सन, एक चीज़ मैं बोलूँगी, ऐसा मत सोचिएगा कि ये अपने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। ऐसे इंसान बिल्कुल भी ये नहीं है, बहुत लॉजिकल माइंडेड पर्सन है, और जो उनके लिए सही होगा, जहाँ पे उनको प्रॉफिट मिलेगा ये वहीं पे जाएंगे, ऐसी इनकी अभी तक की सोच है। बहुत लॉजिकली सोच रहे थे, समाज का है, सोसाइटी का है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके लिए क्या बेटर है, क्या चीज़ उनको करना चाहिए, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कल रात को। उनका ऐसा फील हो रहा था। देखिए, टॉपिक क्या है कि आप दोनों के रिलेशन के लिए वो क्या सोच रहे थे, आपके लिए क्या सोच रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि आप दोनों में एक बहुत बड़ा गैप हो गया है दिन ब दिन। अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हैं भी, मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन की कमी चांस दिख रही है, लेकिन जितनों में कम्युनिकेशन हो रहा है मुझे दिख रहा है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। एक हाई हेलो वाला स्ट्रेंजर के साथ जैसे हम लोग बिहेवियर करते हैं, वैसे एक एनर्जी मुझे दिख रही है आप दोनों की।
और उस सिचुएशन में आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप में क्या चेंज आ गया है कि आप उनसे दूर जाते जा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आप इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, हर चीज़ इनकी मान लेते थे, इनको खोने के डर से आपको ऐसा लगता था ये अगर आपकी लाइफ से चले गए तो आपकी लाइफ पूरी तरह से टूट जाएगी और आपके लिए जीने का कोई जरिया नहीं बचेगा। उस जगह से आपको ये देख रहे हैं कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, आप अपने आप को बहुत मिस्टीरियस कर लिए हैं। हो सकता है सेम चीज़ होते होते ना आप में क्या हुआ कि आप में एक ऐसी चीज़ अंदर से आई कि कितने दिन ये सहेंगे, और शायद आपने खुद को इनसे डिटैच कर लिया। ये पर्सन एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ किया है ऐसा भी मुझे दिखाई देता है, नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन मुझे यहाँ पर फिजिकली एंड मेंटली एब्यूज़ करना आपके पर्सन की एक नेचर है ये भी दिखाई दे रही है। सबके लिए रेजोनेट नहीं भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी आ रही है इसलिए मैं बोल रही हूँ। उस जगह से आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पे ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल भी आप हो रहे हैं। आपको ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से, या आप अगर कोई सुप्रीम पावर को मानते हैं तो उनकी तरफ से कुछ गाइडेंस भी मिल रही है जो आप प्रॉपरली समझ पा रहे हैं, और उस गाइडेंस के हिसाब से आप अपने लाइफ में बदलाव भी ला रहे हैं। जजमेंट क्या हो रहा है ना कि अभी उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी गलत चीज़ आपके साथ किया है, गलत चीज़ मीन्स ऐसा जो है एक मैनिपुलेशन, एक एग्रेशन उन दिखाना, आपने शायद उनको पूरी तरह से प्यार ही दिखाया, क्रेविंग दिखाई, एक डिपेंडेंसी दिखाया, लेकिन जब आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए ना उन पे, तब उनको याद आई अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो, या हो सकता है इनकी फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। आप लोगों के केसेस में आप लोग बेहतर जानते हैं कि थर्ड पार्टी क्या है आपके लिए। तो उनको अचानक से याद आने लगा कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको वो शो करने लगे सिर्फ तुम ही मेरे लाइफ में नहीं हो, आई हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू। तो उस सिचुएशन में उनको लग रहा है कि उनको इस चीज़ का कर्मा मिल रहा है, बिकॉज वो आपको कभी हर्ट किए थे। एक्सट्रीम फिजिकल इंटीमेसी की एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए कल रात को। वो बहुत ज़्यादा एक ड्रीम करना, फैंटेसीज करना, डार्क फैंटेसीज ऐसी वे देख रही हूँ आपके लिए। बहुत ज़्यादा फिजिकली आपको पाना चाहते थे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। सम काइंड ऑफ एडिक्शन में भी ये पर्सन हो सकता है फंसे हो, अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको दूर करने के लिए कुछ एडिक्शन में भी ये हो सकता है फंसे हो, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकता है इन्होंने इनमें रिसेंटली या कुछ दिनों से ये फंसे हुए हैं। इनकी लाइफ में ना मुझे जहाँ तक दिख रहा है, जब कुछ भी चीज़ सही नहीं चलती है तो ये टोटली नेगेटिविटी में चले जाते हैं। अभी जो है इनकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है बहुत कुछ चीज़ें, एक एक करके बताती हूँ। इनकी लाइफ में ट्रिमेंडस फिनेंशियल प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, इनका कोई भी काम नहीं बन रहा है, इसके लिए वो सोच रहे हैं कि आपके साथ। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, उनके लाइफ में जो भी चीज़ें सही नहीं चल रही है वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ वो जो एक गलत बिहेवियर किए थे उसका कर्मा उनको मिल रहा है, एंड एक्चुअली दे आर फेसिंग देयर कर्मा, बिकॉज उनका जो है फिनेंशियल पोजीशन ख़राब हो गया है। फिनेंशियली मुझे नहीं लगता है कि इनका कोई भी वर्क चल रहा हो, अगर किसी स्टेबल जॉब में भी है वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनका जो है ग्रोथ रुक गया है। इनमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी बहुत आ रही है, इनको एंग्जाइटी भी फील होती है, लेकिन अभी भी ईगो में एक एक्ट्रेशन में बैठे हुए हैं कि मैं आई हैव एवरीथिंग। एक होता है ना बाहर में सबको दिखाना कि आई एम सो रिजिड, आई एम सो रूड, लेकिन अंदर से ये पर्सन टूट रहे हैं।
उनको लग रहा है कि भगवान उनको कर्मा दे रहे हैं आपको टॉर्चर करने के लिए, टॉर्चर मीन्स आपको जो इन आउट सिचुएशन में रखे हैं इसके लिए। और कहीं ना कहीं से आप पे आपको जब देखते हैं वो, हो सकता है स्टॉक करते हो सकता है आप दोनों में कनेक्शन हो, कम्युनिकेशन हो, तो वहाँ से जब देखते हैं कि आप कितना प्रॉपरली बैलेंस हो गए हैं, तो उनको लगता है कि भगवान की सारी ब्लेसिंग, गॉड की सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ है, और जिसकी वजह से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप अपने आप को इतने ज़्यादा एक पॉजिटिव पर्सन की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो, और आपकी जो ऑरा है वो दिन ब दिन बहुत पॉजिटिव होती जा रही है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी ऑरा से, तो आपको बहुत ज़्यादा एक इंट्यूटिव पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसे आपकी वैल्यू एक्चुअली बढ़ रही है, उनके दिल में आपकी वैल्यू बढ़ रही है, वो जो चीज़ समझते नहीं थे आपके लिए वो चीज़ उनको लग रहा है कि हाँ इस पर्सन में तो बहुत कुछ है, इतना कुछ, इतनी क्वालिटीज़ है। एंड कभी उनको ऐसा भी लगता है कि आप में इतनी जो क्वालिटी है क्या वो डिज़र्व करते हैं आपको, मतलब आपके लाइफ में क्या वो डिज़र्व, एक्चुअली क्या बोलना चाह रही हूँ कि आप क्या इस टाइप के इंसान डिज़र्व करते हैं, ऐसा भी उनको डाउट होता है। एम्प्रेस यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये हो सकते हैं मैरिड है, और ये मैरिड है, हो सकता है इनके बच्चे भी है, ऐसा भी हो सकता है, या ये फादर बनने वाले हैं ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, कहीं पे ना ये ट्रैवल करके चले जाना चाहते हैं, ये जो सारा मेस वो खुद क्रिएट किए हैं वहाँ से वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं यहाँ से चले जाएं, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, हो सकता है वो ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आने वाले कुछ डेज में विद इन 3 weeks वो कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। नोइंगली अनोइंगली आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके सामने जाने की हिम्मत नहीं है इनमें, डर रहे हैं कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड ही और शी इज़ अ गुड मैनिफेस्टर, ये चीज़ उनको पता भी है कि वो जिस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ें हो जाती है, ऐसा भी उनको पता है। इनकी लाइफ में मुझे जहाँ तक दिख रहा है एक टावर मोमेंट आया हुआ है अपनी फैमिली में, तो हो सकता है ये कल रात की ही एनर्जी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है रिसेंट पास्ट में ये मोमेंट आई हुई है, ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये जहाँ पर वो है उनके साथ इनकी कुछ ट्रिमेंडस चीज़ें हुई है, प्रॉब्लम हुई है, तो उनको ऐसा लग रहा है अभी क्या है ना वहाँ पे जो चीज़ें वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम देखने की वजह से आपकी तरफ ये बढ़ रहे हैं और कुछ आपको ऑफर भी करना चाहते हैं, लेकिन आप जितना डिज़र्व करते हैं शायद उतना बड़ा ऑफर ये नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, एक्चुअली वो चाहते हैं देना बट वो दे नहीं पा रहे हैं, तो आपको ना सोशली अभी वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन सबके सामने, समाज, सोसाइटी के सामने आपको सोशली एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन में अभी भी मैं जो देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ईगो है, हो सकता है ये ऑलरेडी फादर फिगर है, या फादर फिगर किसी से इनकी थोड़ी सी डर, डिपेंडेंसी ऐसी मुझे दिखाई दे रही है, हो सकता है ये अभी भी किसी पे डिपेंडेंट हो फिनेंशियली, ऐसा भी हो सकता है, या फादर फिगर किसी की वजह से इस रिलेशन के लिए प्रॉपरली एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन इस पर्सन में ऐसा नहीं देख रही हूँ, प्यार है, चाहते भी हैं आपको एक्सेप्ट करना, लेकिन ईगो इनमें अभी भी बहुत ज़्यादा है, स्टबर्ननेस, ईगो, इस तरह की नेगेटिविटी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, हो सकता है ऐसा भी हो कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये अगर मुझसे मूव ऑन कर गई है या कर गया है तो मैं क्यों आगे जाऊँ, ऐसी भी एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, मिक्स्ड एक एनर्जी है। तो एक एस ऑफ कप्स, चाहते हैं न्यू स्टार्ट करना, इमोशनली स्टार्ट करना, लेकिन इनका जो ईगो है, इनका जो स्टबर्ननेस है, ये ना कहीं से इनको पीछे पुल कर रहा है,
ठीक है। तो अगर एक लाइन में मैं पूरी रीडिंग को बताऊं तो एक्सट्रीम फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी है, आपको सोशली एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो भी बैड बिहेवियर ये किए हैं उसकी वजह से ही आज उनको ये सब चीज़ फेस करना पड़ रहा है। एंड दे आर नॉट इन गुड कंडीशन, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, फिनेंशियल प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं बोलूँगी कि सबके लिए है, लेकिन कुछ परसेंटेज लोगों के लिए आपके पर्सन के ऊपर किसी तरह का ब्लैक नेगेटिव एनर्जी भी इम्पोज किया गया है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ थिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, या नेगेटिव एनर्जी भी इम्पोज किया गया है, हो सकता है आप दोनों को अलग करने के लिए ही ये चीज़ किया गया है। एंड इसका जो एक आउटकम हो रहा है ना, आउटकम में ये हो रहा है कि आपके पर्सन को हो सकता है बहुत ज़्यादा हेडेक माइग्रेन, इस तरह की एक प्रॉब्लम, लोअर बैक प्रॉब्लम, स्पाइन में दर्द, इस तरह की एक हेल्थ इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ रहा है। एनी हाउ मुझे जहाँ तक दिख रहा है यहाँ पे सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए भी नहीं, मेजर लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ब्लैक मैजिक इम्पोज किया गया है। टेन ऑफ सोर्स, डेविल, फाइव ऑफ पेंटिकल, टावर, मेजर लोगों के लिए 80-90% लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक इम्पोज किया गया है आप दोनों को स्पेशली अलग करने के लिए। लेकिन डोंट वरी, अगर ऐसा कोई करता है तो डेफिनेटली उन पे बैकफायर तो ज़रूर होगी, आज नहीं तो कल ज़रूर होगी। तो आपको किसी तरह की नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में नहीं लाना है, क्योंकि सबको अपना कर्म मिलता है, आपके पर्सन ने भी आपके साथ जो बैड बिहेवियर किया उसका कर्म उनको मिल रहा है अभी, ठीक है। तो ये था उनकी कल रात की थॉट्स, क्या सोच रहे थे आपको लेकर के, एक न्यू बिगिनिंग का चांस है, लेकिन हो सकता है पूरी तरह से जो भी ब्लैक मैजिक इम्पोज किया गया है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है इसी फुल मून में हो सकता है उन पर ब्लैक मैजिक इम्पोज किया गया हो, इसकी वजह से अभी भी कुछ रूडनेस दिख रही है मुझे, कुछ स्टबर्ननेस दिख रही है, लेकिन प्यार सच्चा है, और अगर स्पिरिचुअल पास्ट लाइफ कनेक्शन में आप लोग हैं तो ये चीज़ भी चली जाएगी। अभी हम लोग देख लेंगे कि आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस क्या बोलना चाहते हैं अभी इसी वक्त, आपको कुछ हिडन फीलिंग्स उनके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की कुछ हिडन फीलिंग्स क्या है। आई एम स्टक इन माई ओन नेगेटिव थाट्स एंड आई विल ट्राई टू कम आउट सून, कम बैक सून। देखिए कैसे रीडिंग रेजोनेट करती है, हमने दूसरे डेक से देखा, इसमें भी बोल रहे हैं वो कि वो अपने खुद के नेगेटिव थाट्स में वो स्टक है, वो जरूर वापस आएंगे बहुत जल्दी। आई एम ओवर पॉजिटिव फॉर यू, एंगर इज जस्ट आउटकम, वो बोल रहे हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और जो वो गुस्सा दिखाते हैं वो सिर्फ उसी का आउटकम है। मनी गिव्स मी मोर हैप्पीनेस देन यू एंड सो लेट मी अर्न इट फर्स्ट, कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम, आई टोल्ड यू दैट, वो बोल रहे हैं कि मनी आपसे ज़्यादा उनको हैप्पीनेस देती है, मटेरियलिस्टिक पर्सन है, अर्थ मटेरियल चीज़ों पे ये बहुत ज़्यादा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ये बहुत ज़्यादा ये खुश होते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे पैसे कमाने दो फिर मैं वापस आऊँगा या आऊँगी। आई ऑलवेज रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी सो डोंट टीच मी दैट, वो बोल रहे हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा भागते हैं, हो सकता है इनको कमिटमेंट इशू भी हो, तो बोल रहे हैं कि मुझे ये मत सिखाओ, ठीक है। कुछ ईगो अभी भी बाकी है। I always want you to forgive and forget before it's too late. ये आप पे भी कुछ ब्लेम लगा रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमेशा मैंने कोशिश किया था, बोला था तुमसे कि चीज़ों को माफ़ करो और भूल जाओ बहुत ज़्यादा लेट होने से पहले, लेकिन हाँ जो भी है आपने फर्गिव करने का भी एक लिमिट होता है, ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो ये था आज की रीडिंग, आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स कल क्या थी, क्या सोच रहे थे आप दोनों के रिलेशन को लेकर के,
होप आपको रीडिंग से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं न्यू रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।